Sri Barnalaji. I will take some time. I won't be able to finish by 7. If you intend to further increase the time, then we must decide it now, or else. Please. Maniya Adhyaksh ji, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हाउस में बयान दिया है, ख्याल ये था कि उस पर कोई एडवर्स बहस नहीं होगी। ऐसा होता तो नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर बात का विरोध करना होता है, तो इसलिए विरोध करने की कोशिश होती रही है, कोई नुक्ते निकालने की कोशिश होती रही है कि किस बात पे विरोध किया जाए। साइंटिस्ट की तारीफ सभी ने की है, टेक्नीशियंस की तारीफ सभी ने की है कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और ये भी सभी ने कहा है कि आज का काम नहीं है, ये तो बहुत देर से होता चला आ रहा है, एकदम का काम तो है नहीं, सभी जानते हैं, बहुत देर से चला आ रहा है। उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट आपने भी लेना चाहा है कि हाँ, ये तो हमारे समय से होता चला आ रहा है, बहुत देर से होता चला आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में यही कहा कि ये कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू हो गया था, पहली जब सरकार बनी देश की इंडिपेंडेंट, उसके बाद ये जब जापान पे एटम बम फेंके गए दो, हिरोशिमा नागासाकी दोनों जगह पे, सारा संसार घबरा गया था। उस वक्त एटम शक्ति अकेले अमेरिका के पास थी, अभी रूस के पास आई नहीं थी, जर्मन बहुत करीब पहुंच गया था लेकिन अभी तक हासिल नहीं कर सका था। देश हमारा आज़ाद हो गया, हमें भी इस बात की चिंता लगी कि होड़ लग रही है, हमारी आज़ादी से पहले ही रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, उन्होंने विस्फोट कर दिया था, इसलिए हमारी सोच इस तरफ बढ़ी कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस सोच को लेके 1954 का जो हवाला दिया प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इसी हाउस में कहा था कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये वेपन्स नहीं बनने चाहिए, इसके खिलाफ कुछ बात करनी चाहिए। हमारी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी, वो रुकावट ना लगा सकी कोई। 64 में आके चाइना ने विस्फोट किया, दुनिया देखती रही, कुछ कर नहीं पाई, किसी तरह रोक नहीं सकी, कोई ऐसी ताकत उनके हाथ में नहीं थी जो चाइना को रिस्ट्रेन कर देते किसी बात पर। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत है, हम करेंगे, कर लिया। फिर ये पंडित जी ने कुछ देश इकट्ठे किए थे, नॉन अलाइन मूवमेंट जो कहलाती थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की सोच ये थी कि किसी ढंग से इसको रोका जाए। उन्होंने भी यत्न किया कि नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट को हो जाए, ट्रीटी की बात बाद में आई, लेकिन उनकी बात भी चली नहीं। कुछ देर के बाद एनपीटी की बात चलने लगी कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 देशों के पास परमाणु हथियार हो गए थे, उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि अब ये शुरू हो जाना चाहिए। हमने इनकार किया था उस वक्त भी, कहा था कि या तो सारे देश इस बात पर राजी हों कि जो हथियार किसी के पास तैयार हो गए हों उनको नष्ट किया जाए, नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएं तो हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया कि हम एनपीटी के दस्तखत नहीं करेंगे। समय गुजरता गया, हमें महसूस हो रहा था कि ये न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कोई समय ऐसा आएगा। यही इसी मुकाम पे पोखरण में 1974 में विस्फोट करना पड़ा,
विस्फोट किया गया, उसका भी जिक्र आया है, यहाँ से भी किया गया, वहाँ से भी किया गया। कई बातों में उस विस्फोट को जायज़ करार दिया कि हाँ वो तो करना ही था, क्योंकि वो इंदिरा जी के समय में हुआ था, उन्होंने किसी को कंसल्ट किया था कि नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। दूसरी साइड में बैठे कुछ लीडर साहिबान शायद बता सकें, बताया तो नहीं अभी तक कि किसी और को कंसल्ट किया था कि नहीं किया था। हमें जानकारी यही मिली थी कि हाँ पोखरण में एक विस्फोट हुआ है, कुछ चर्चा हुई दुनिया में कि क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उससे हमारा कुछ कॉन्फिडेंस बना था कि हम भी ये कर सकते हैं, हमारे साइंटिस्ट हमारे टेक्नीशियंस इतने लायक हो गए हैं कि ये हम भी कर सकते हैं, दूसरों के मुकाबले में हम कुछ करने के योग्य हैं, इससे देश में कुछ कॉन्फिडेंस बना। समय फिर गुजरता गया, सीटीबीटी की बात चल गई, देखा 2 साल हुए इस बात को चलते हुए, उस वक्त भी कहा हिंदुस्तान ने, देश एक था इस बात पे कि हम दस्तखत कर देंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब सब लोग जो आपने विस्फोटक सामग्री तैयार कर ली है, जो बम बना के तैयार आर्सेनल बड़े बड़े आपके पास मौजूद हैं, उन सबको नष्ट कर दोगे और आप भी ये कहोगे कि हम आगे को ये और नहीं बनाएंगे या और विस्फोट नहीं करेंगे, तो हम भी तैयार हैं इसके, उस वक्त तक काम नहीं करेंगे। और ये पॉलिसी सारे देश ने मंजूर की, सारा देश इसके पीछे खड़ा हुआ, और मैं समझता हूँ ये बहुत ठीक दिशा थी और ठीक दिशा में उस वक्त फैसला लिया गया। आज का समय आ गया, हम किसी बंधन में बंधे नहीं थे, NPT में नहीं बंधे थे, हमने दस्तखत नहीं किए थे, CTBT पे दस्तखत नहीं किए थे, आज भी हम किसी बंधन में नहीं थे, हम कर सकते थे विस्फोट। लेकिन सवाल हो रहा है अब क्यों कर दिया, इस मौके पे क्यों कर दिया, सारा झगड़ा इसी बात का है मैच कि वाजपेयी साहब के समय में क्यों हो गया। शायद कोई क्रेडिट लेना चाहेंगे, ये क्रेडिट की बात नहीं है इसमें, किसी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, इसको तो देश को क्रेडिट इसका लेना चाहिए कि हाँ भारत देश ने किया है, भारत देश को इससे लाभ होने वाला है। विस्फोट हुआ उसके बारे में यहाँ चर्चा चली कि राय नहीं ली गई, हमसे भी नहीं ली गई, अपने साथियों से भी नहीं ली गई। मैं सही कहता हूँ आपसे, हमसे सलाह मशवरा कोई नहीं हुआ, मैं भी इनका साथी हूँ, लेकिन हमसे मशवरा दूसरी पार्टियों से भी मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि किसी से मशवरा नहीं हुआ, और ऐसी बातों का मशवरा होता भी नहीं और किया भी नहीं जाना चाहिए। एक ज़रा सी बात निकल जाए, इस बात की कितनी तारीफ हुई है संसार भर में, पहली दफ़े हिंदुस्तानी एक सीक्रेट रख सकें, एक ऐसी बात खुफिया रख सकें जिसका किसी को पता नहीं चला, जब ये विस्फोट हो गए तभी पता चला कि हाँ ये तो तीन हो गए, के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा, इकट्ठे तीन हो गए हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है। सब लोगों ने खबरें ही पढ़ी, मैंने भी खबर ही पढ़ी थी कि ऐसा हो गया है, मेरा तो मन उछला था उस वक्त, खुशी से उछला था कि बहुत बढ़िया बात हो गई, देश के लिए बहुत प्राप्ति की बात है। लेकिन उस पर भांत-भांत से उस पर टिप्पणी हुई है कि देश के लिए हानिकारक बात है, बहुत बढ़िया बात नहीं हुई है, इस तरह से इसका नुकसान हो जाएगा, इस तरह से इसका नुकसान हो जाएगा, ऐसी बातें करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो विरोधी लोग हैं वो तो इसको बुरा ही कहेंगे, उनके साथी जो उनके हिमायती हैं वो भी इसको बुरा कहेंगे, उनको ये नहीं भाता कि हिंदुस्तान के पास ऐसी ताकत हो, दूसरों के पास हो जाए वो बढ़ाते चले जाएं, उन पर कोई दबाव नहीं, कोई रुकावट नहीं। चाइना ने कई विस्फोट कर दिए, उन पर कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, नाम लेना पड़ता है कई बातों में, उन्होंने मिसाइल दागने शुरू किए, कभी गजनी दागा, उस पर कोई बहुत चर्चा इंटरनेशनली नहीं,
हम थोड़े परेशान थे क्योंकि हमारे पड़ोस में ये हो रहा था, बाहर नहीं हुआ। उसे किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, हम ये सेंक्शन लगाएंगे अगर ऐसा करोगे। कोई ज़बानी जमा खर्च कहीं करते रहे, लेकिन किसी ने बंद नहीं किया और उन्होंने भी बंद नहीं किया। उन्होंने अपना काम जारी रखा, जहाँ जहाँ से उनको ये टेक्नोलॉजी मिल रही थी वहाँ से ली, चाहे किसी देश से मिली। टेक्नोलॉजी बाहर से हासिल करके वो अपनी नहीं बना सके थे अब तक, बाहर से हासिल कर करके एक बड़ी मिसाइल और बनाई। बड़ी मिसाइल बना के सब अब तो 1500 किलोमीटर पे जाती है ये, और हिंदुस्तान का हर एक शहर इसकी मार में आ जाता है। नाम भी रख दिया बहुत खतरनाक, गजनी, गौरी गजनी, ढूंढ ढूंढ के नाम रखे हैं। आप ज़रा ध्यान करिए, हम घबराए बैठे हैं कि ये क्या हो गया, ये विस्फोट क्यों कर लिया। उन्होंने नाम रखे वो जो हिंदुस्तान पे पहले हमलावर हुए थे, उनका नाम रखा पहली पे, दूसरी पे जो फिर बार बार हमला करते रहे हिंदुस्तान पे, उसका नाम रखा गौरी और गजनी। सो ये जानबूझ के ऐसा किया गया। नाम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जानबूझ के हिस्टोरिकल नाम जो हमें थोड़ा बहुत चुभे, हमारे लिए कुछ ऐसा महसूस हो कि हाँ हिस्टोरिकली ये सारा कुछ हमारे लिए हो रहा था। वो दाग दिया उन्होंने मिसाइल, थोड़ी बहुत चर्चा कहीं हुई लेकिन ख़त्म हो गई बात। किसी ने सेंक्शन की बात नहीं की कि ये तो बहुत बड़ा गलत काम किया है आपने, टेक्नोलॉजी भी आपके पास नहीं थी, बाहर से ले लेके आपने ये चला दिया है। सवाय हमारे किसी को घबराहट उसकी नहीं हुई, देखने में ऐसा आया। इर्द गिर्द के देशों का सभी का जिक्र मैं कर दूं, लेकिन टाइम लगता है उसमें, किसी ने नहीं कहा कि ये इतनी बड़ी मिसाइल बना के आपने गलती की है, नहीं करना चाहिए था, इससे आर्म्स रेस बढ़ेगी, एशिया में ऐसे हालात हो जाएंगे, ये साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में ऐसे हालात बिगड़ जाएंगे, ये आपने क्या कर दिया है। बर्नाल्ड जी, सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया था, बर्नाला जी बोले तब तक सदन बैठे। नहीं मैं तो नहीं चलूंगा जी। नहीं आप बोलिए, मुझे टाइम लगेगा। आप पूरा करिए, कल करिए, कल कर लीजिए, कल कर लीजिए, कल कर दीजिए, कल कल कर, कल कल ये कंटिन्यू करें, कल कंटिन्यू करें, नहीं तो क्या, बर्नाल जी आप कल कंटिन्यू करिए। द हाउस स्टैंड एडजॉइंड टू मीट टुमारो द 20th May 1998 at 11 a.m.